नमस्कार। आज के वीडियो में हम लू से बचने के लिए कुछ विशेष उपायों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह बात ध्यान रखेंगे कि खुले हुए शरीर या सिर को लेकर के धूप में ना जाएं। अगर आपको जाना ही पड़ता है तो धूप में निकलने से पहले सिर को अवश्य ढक लें और हो सके तो सफ़ेद वस्त्र का ही प्रयोग करें। आँखों पर सनग्लासेस जरूर लगाएँ और हो सके तो सफ़ेद वस्त्रों को ही धारण करें, क्योंकि यह हमें गर्मी से बचाते हैं। काले वस्त्र हमें ज़्यादा गर्मी देते हैं और वो धूप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए काले वस्त्र जहाँ तक हो सके ना पहने। अचानक ठंडी जगह से गर्म जगह पर ना जाएं, जैसे आप एसी में बैठे हैं तो तुरंत बाहर लू में ना जाएं, इससे लू बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कच्चा प्याज रोज खाएं। धूप में निकलने से पहले पॉकेट में एक छोटा सा प्याज रख लें और यह शरीर की गर्मी को सोख लेता है हमारे। इसके साथ ही लू से बचने के लिए पहले आप यह कर सकते हैं कि गोंद कतीरा को भिगा करके उसके पानी का सेवन कर सके हैं सुबह सुबह खाली पेट प्रातःकाल में। दूसरा एक और तरीका यहाँ पर बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जिससे पसीना आए और आपके शरीर का तापमान नियमित हो सके। इस मौसम में मौसमी फल, फलों का रस, दही, मट्ठा, जीरे वाली छाछ और जलजीरा, साथ ही आम या इमली का पना, जिसमें आम को उबाल करके या भून करके आम का पानी बनाया जाता है और इमली को भिगा करके उसमें गुड़ मिक्स करके जो पानी बनाते हैं उसका सेवन भी हम कर सकते हैं। यदि लू लग जाती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा होता है। 104 डिग्री से यदि अधिक बुखार है तो सिर पर ठंडे पानी की पट्टी जरूर रखनी चाहिए, बर्फ़ वाली पट्टी रखें, और रोगी को तुरंत प्याज का रस और शहद मिला करके देना चाहिए। 4-5 बार गीले टॉवल से उसके शरीर को पोंछें। गर्म पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, और कैरी के पत्तों का पना भी आप बना सकते हैं, जो कि आटे का जो पीसा हुआ जो आटा होता है उसकी राब बना करके आप दे सकते हैं। साथ ही मरीज के तलों पर लौकी का जूस लगाएं या लौकी को रगड़े या खीरे को भी आप रगड़ सकते हैं। तो आज ही हमने लू से बचने के उपायों की बात की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।